हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआरएफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14th मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसआरएफ में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.49% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2250.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने मिलने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे के चार्ट में बात करूं मैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज सा आप देख सकते हैं, वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्मॉल साइज की कैंडल बनी और डाउन साइड में हमें एक छोटी सी विक जो देखने मिल रही है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई 43-44 के आसपास जो आ चुका है जो जरूर हमें यहाँ पे एक स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा यहाँ पे देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के स्टॉक जो है फिलहाल हमारे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है नेगेटिव जाते हुए देखने मिलने वाला है। मतलब स्टॉक जो हमें फिलहाल अगर मैं कहूँ तो 2150 के आसपास हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है और इवन यहाँ पे उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो यहाँ पे 200 एमए तक स्टॉक इजीली गिरते हुए देखने मिलने वाला है। मतलब 2037 के आसपास हमें 2040 के आसपास हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे हाई चांसेस स्टॉक में यहाँ पे बड़ा डाउनसाइड आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 एमए जो अभी भी 50 एमए के नीचे जो चल रहा है, स्टॉक के ट्रेंड को यहाँ पे जो नेगेटिव कर देता है। इसके वजह से यहाँ पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ यहाँ पे हमें स्टॉक के ट्रेंड को तो देखना है और यहाँ पे जब भी ऐसा कोई ट्रेंड बने तो यहाँ पे अपसाइड के लिए लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी ना जाए। यहाँ पे शॉर्ट का कोई भी यहाँ पे अगर जो है हमें पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आप जो है वो बना सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें जो है क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे यहाँ पे मार्क्ड है। तो यहाँ पे हमें फिलहाल कोई भी मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो 2250 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 2239 का, डायरेक्ट रेसिन यहाँ पे है 2269 का। तो यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेसिन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको जो है यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल को देखना है, किस तरह से आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो है प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो जरूर जो है आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे बात करूँ मैं मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेसन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2218 का, उसके बाद क्या आता है 2196 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसन के बाद का अगला रेसन आता है 2305 का,
उसके बाद कहा था 23-27 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेशन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे अपना मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। बाकी अब बात करूं मैं मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस में मंडे के लिए यहाँ पे जरूर जो प्री ओपन मार्केट में कैसा सा परफॉर्म करता वो देखकर ही यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हाई चांस है स्टॉक में हमें थोड़ा सा ओपनिंग जो है नेगेटिव देखने मिले, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट को क्रॉस करते हुए गया तो थोड़ा सा और हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं। करंटली हमारा ओपिनियन जो है पॉजिटिव साइड का जो फिलहाल बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन 1% के अंदर हमें स्टॉक में जो एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती है। इवन 22.69 से लेकर 23.05 के बीच में हमें स्टॉक जो है बीच में क्लोजिंग देते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 23.05 तक तो नहीं जाएगा लेकिन उससे थोड़ा पहले हमें क्लोजिंग जो है देखने मिल जाएगा। इसका मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हमें कोई खास ऐसा कोई इंट्राडे के लिए जो यहाँ पे हमें जो है एक जो पोजीशन देखने नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखने मिलने वाली। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आपको थोड़ा सा जो स्टॉक में मंडे के दिन कॉशियसली काम करें, क्योंकि मंडे के दिन यहाँ पे मोस्टली जो है मार्केट हमारा बहुत ही अनसर्टेन, मतलब एक ही यहाँ पे एक रेंज बाउंड में जो घूमते हुए देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।